अच्छा जी, इसकी बैक प्लेन थी और एक मोटिव मिल रहा था जो कि हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, मोटिव लगाने के बाद यहाँ पे लेस लगी जी। तो नेक्स्ट है ये, और ये सबको याद होगा, इसके जो है वो दो कलर्स थे, मैंने दोनों कलर ही बनाए हुए हैं न्यू अराइवल में। और ये जी दामन पे, और ये इसकी फिनिशिंग हो गई है, फ्रंट बैक दोनों पे लगी हुई है। करें तो स्लीव्स जो है वो है कुछ ऐसे। अच्छा, इसका फैब्रिक भी चेक कर लें, इस तरह से फैब्रिक है इसका। यहाँ बॉर्डर है और फिर लेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको पता चल गया होगा कि सना सफीना के ड्रेसेस होने वाले हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये और ये तो भाई सेल में बस सबको चाहिए थे। तो मैंने पहले भी बनाए हैं ये, जब न्यू अराइवल वाला था तब भी बनाए, अब हमने सेल में से बाय किए थे और अब ये बन गए हैं जी। इस तकरीबन इस वीडियो में सारे ही सना सफीना के ड्रेसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैजुअल और कुछ मैंने ड्रेसेस क्या कहना चाहिए, हाँ लग्जरी भी पिक की। मैं ये दिखा रही हूँ, और ये माहे कलेक्शन का है, लिलन का, बहुत खूबसूरत थ्री पीस था ये। देखें ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रिंट था इसका, बहुत प्यारा सा कलर, बहुत अच्छा था, ग्रीन एंड ये डीप पिंक है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा, एक फर्स्ट ड्रेस जो है मैं कैजुअल दिखा रही हूँ, तो इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से कि पहले प्रिंट चेक कर लें आप। बैक से भी सेम ही प्रिंट है जैसे कि फ्रंट से है, और इसके साथ मिली थी जी नेक लाइन हमें। अच्छा, नेक लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट किए लगाना, ये देखें नेक लाइन जो यहाँ से लग रही है और यहाँ ऊपर से नहीं हमने लगाई। ठीक है, अच्छा अब इनसाइड हमने क्या किया है, नेक लाइन राउंड नेक लाइन है, और इनसाइड ये किया है कि लेस लगाई है और वो दोनों तरफ से आ रही है, और ये देखें फिर वो एम्ब्रॉयडरी के सेंटर में जो है ना ये लेस आ गई है, और इससे ये बहुत ही प्यारी सी जो है ना नेक बन गई है, ये देखें चेक करें आप। ठीक है, और फिर उसके लेस के बाद फिर एम्ब्रॉयडरी है, तो ये जो इसका नेक बना है ना ये बहुत खूबसूरत बना है, ये देखें। ठीक है, और फिर इसी लेस को लेके हमने यहाँ फिनिशिंग करवा दी है ऐसे, और दामन पे भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रिंट है, कुछ पैनल टाइप का और पूरा प्रिंटेड है, तो इसलिए इसमें पैनल या कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई है, सिर्फ नेक को हमने डिफाइन किया है एंड स्लीव्स पे हमने फिनिशिंग कर दी है और दामन पे कर दी है इस तरह से, ये देखें। ठीक है, विंटर का ड्रेस है लीलन का, तो हमने बहुत प्यारी सी इस पे इस तरह से डिज़ाइनिंग की है कि ये बहुत प्यारा भी लगे, सिंपल भी ना लगे, अच्छा भी लगे और खूबसूरत भी बन जाए, ये देखें। यहाँ पे फिर फैब्रिक की डिटेलिंग आ गई। ठीक है जी, और डार्क कलर पर्पल जो है ना वो हमने ये जो एम्ब्रॉयडरी में आ रहा है और यहाँ जो बॉर्डर में आ रहा है ये कलर पिक किया है, जिससे हमने फिनिशिंग की है दुपट्टे पे भी और शर्ट पे भी। अच्छा, अब इसके ट्राउज़र की अगर बात करूँ, तो ये थ्री पीस का आर्टिकल था ऐसे, तो ट्राउज़र पे स्ट्रेट पैंट है, पेंटेक्स और लेस आई है सही, और दुपट्टा क्योंकि लिलन का है और इटसेल्फ लिलन का दुपट्टा काफ़ी हैवी हो जाता है, लाइट वेट लिलन हो तब भी हो जाता है, तो इस पे हमने ये टू कलर टू टोन में ना टू कलर में दुपट्टा है, ये देखिए पर्पल एंड पिंक, तो यहाँ पे पर्पल कलर लेके हमने इसकी फिनिशिंग करवाई है, पूरे दुपट्टे पे फैब्रिक से फिनिशिंग हुई है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा एक ड्रेस जो है थ्री पीस का आर्टिकल बन गया है, माहे का था ये जी, और हमने सीध में से इसको लिया था। अच्छा, ये मैंने काफ़ी लिया था ये वाला आर्टिकल। अच्छा, इसका प्रिंट, इसकी मैंने स्लीव्स का प्रिंट आपको नहीं दिखाया, इसकी स्लीव्स ना कुछ ऐसे थी, ये देखें प्यारा सा कलर है, शर्ट में पिंक है ना, तो यहाँ जो पैनल पे ग्रीन है ना, इस तरह से स्लीव्स पे ग्रीन सा प्रिंट है जो कि अच्छा लग रहा है, ये देखें कंट्रास्ट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है ये ऐसे। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें जी, चलें जी नेक्स्ट, जल्दी से दिखाती हूँ मैं आपको जी। तो नेक्स्ट है ये, और ये सबको याद होगा, इसके जो है वो दो कलर्स थे, मैंने दोनों कलर ही बनाए हुए हैं न्यू अराइवल में, और कुछ इस तरह से है जी, ये देखें काफ़ी मल्टी कलर जो है ना प्रिंट था इसका ऐसे। ठीक है, और इसके साथ हमें सिर्फ एम्ब्रॉयडरी की एक छोटा सा एम्ब्रॉयडरी की जो है ना वो क्या कहना चाहिए पैच मिला था, जो कि हमने कहाँ एडजस्ट करवाया है, देखिए यहाँ पे, पहले मैं डिटेल
इसके दिखा दूँ, फिर आती हूँ एम्ब्रॉयडरी की तरफ। नेक लाइन चेक कर लें आप, और फिर यहाँ लूप्स के साथ बटन बने हैं, ठीक है। ये बटन बना के लगाए गए हैं ऐसे, तो ये तो हो गई जी नेक लाइन। स्लीव्स का प्रिंट चेक कर लें, ऐसे है, ठीक है। ये है स्लीव्स का प्रिंट, और ये जो एम्ब्रॉयडरी हमें मिली थी ना, ये हमने लगाई है जी यहाँ पे, ये देखें ऐसे, ठीक है। ये बाकी सारा प्रिंट है, कुछ डिफरेंट सा प्रिंट था इसका, ऐसे ये हो गया, ठीक। और इसकी फिनिशिंग इस कलर से हमने की है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, ये देख लें, ये हो गई जी फिनिशिंग। अच्छा, इसका बैक का जो प्रिंट है ना, वो टोटली डिफरेंट था, वो भी आप चेक कर लें। और जो ये देखें ऐसे, और ये बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ भी है भाई, काफ़ी मुझे टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप भी जो सना सफीना या निशात के लिए, वो आपके ड्रेसेस कब बनेंगे। अच्छा, यहाँ देखें टू टोन है, ऊपर लेमन सा है, फिर नीचे ब्लू है, शेडेड है, और फिर यहाँ बॉर्डर आ गया नीचे, ठीक है। कुछ इस तरह की ये है जी शर्ट। अब आ जाते हैं कि इसका इसका दुपट्टा शिफॉन का था, इसका दुपट्टा है जी इस तरह से शिफॉन का, और ये कैजुअल ड्रेस है इसलिए इसको सिंपल और अच्छा कैजुअल ड्रेस है, तो दुपट्टा जी ये देख लें, ओनली मैंने फिनिशिंग करवाई है किससे, फैब्रिक से, इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा है ये, और इसका प्रिंट अच्छा है, ये देखें प्रिंट इस दुपट्टे का प्यारा है ऐसे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, और ट्राउज़र पे भी हमने जी किया है कुछ ऐसे, ये यहाँ नीचे कटवर्क और पेन टेक्स डाली गई हैं, ठीक है। तो ये इसके ट्राउज़र है, और ये इसकी शर्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, जो मैं दिखा रही हूँ सना सफीना का, ये इनका लग्जरी कलेक्शन से है, और जी ये बहुत ही इनका हिट कोट था, बहुत बहुत ज़्यादा बाय किया था ये मैंने, मतलब सबके लिए ही बाय किया था तकरीबन। तो ये इस तरह का है, खाड़ी नेट पे था, और ऑर्गेंजा कुछ पैचेस वगैरह थे इसके ऊपर, डिटेलिंग क्या थी वो दिखाती हूँ अभी, लेकिन ओवरऑल आप ज़रा चेक कर लें इसकी एम्ब्रॉयडरी कि किस तरह से, कलर बहुत प्यारा था, पिस्ताशियो ग्रीन एंड पीच का कंट्रास्ट है जी इसके ऊपर, दुपट्टा नेट का है इसके साथ। तो चलिए आ जाते हैं, अच्छा ये देखेंगे इसका सेंटर पीस था और इसके पैनल थे, ठीक है। तो सेंटर पीस के साथ पैनल अटैच हो गए, तो ये कुछ ए लाइन स्टाइल में हमने इसकी शर्ट जो है वो बनाई है ऐसे, ये ठीक है, इस तरह से बनाई है सारे पैनल्स लगाने के बाद, क्योंकि ये सेंटर पीस था, फिर ये थे, और फिर ये साइड पे भी थे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, एंड देन लास्ट में है ये बॉर्डर मिल रहा था जो कि यहाँ अटैच हुआ है, ये देखें कहाँ, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर अटैच हुआ है, ठीक है। ये बॉर्डर अटैच हो गया, लास्ट में मैंने लगाई है जी लेस ऐसे, और लेस के साथ हैंगिंग है, और हैंगिंग जो है ना वो है बड़े क्यूट से कलर हैं, ये देखें ग्रीन एंड सेम वही कलर हमने पिक किए हैं, पिस्ताशियो ग्रीन एंड पिंक, ठीक है। जो ये पीच सा आ रहा है ना वो वाला कलर, मार्बल में बहुत प्यारे लगते हैं ये कलर, ये देखें, और ये वन ड्रॉप है ओनली, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया हमने, और यहाँ से आप ये देख लें ये इसकी फिनिशिंग है, ठीक है, पीच कलर की ही सारी यहाँ फिनिशिंग हुई है जी। अच्छा, बैक कुछ इस तरह से है, बैक पे दिखा देती हूँ कि बैक पे क्या किया है, पहले इसकी स्लीव चेक कर लें आप, ये देखें जी ये इसकी स्लीव हैं ऐसे, और यहाँ पे लेस एंड फिर हैंगिंग हुई है, ठीक है। अब बैक पे जो मैंने किया है ना वो दिखाती हूँ जी आपको। अच्छा जी, इसकी बैक प्लेन थी और एक मोटिव मिल रहा था जो कि हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। मोटिव लगाने के बाद यहाँ पे लेस लगी है, और डबल आप देख रहे हैं, डबल पैनल है, ठीक है, दो यहाँ हैं और दो ही यानी लेफ्ट पे भी दो हैं और राइट साइड पे भी दो पैनल हैं, तो टोटल चार पैनल हैं जी बैक पे। और ये कितने प्यारी अब लग रही है शर्ट, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, ये देखें आप, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में अगेन लेस है और हैंगिंग है,
इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है बन के, ये देख। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हो गई जी शर्ट रेडी। और अगर बात करें इसके ट्राउज़र की और दुपट्टे की, तो जी वो है कुछ ऐसे। इसके दुपट्टे का नहीं, ट्राउज़र का पैच था जो कि यहाँ लग गया है और नीचे हमने यहाँ कट पकड़वाया है। ठीक है, इस तरह से बन गया जी इसका ट्राउज़र। एंड ये है जी इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है नेट का। और ये बॉर्डर जो है वो मिले थे जो कि अटैच होने थे, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी से, वो हमने करवा दिए हैं। तो दुपट्टे की लुक आ जाती है कुछ ऐसे, ये। अच्छा जी, ये अच्छा दुपट्टे पे देखे होंगे अब, मैंने बॉर्डर लगाए हैं, मैंने कुछ हैंगिंग नहीं की क्योंकि इसको उन्हें बहुत हैवी नहीं चाहिए था, ठीक है, इसलिए। तो दुपट्टे पे जस्ट हमने बॉर्डर अटैच करवा दिए हैं, यहाँ पे पल्लू लग गए हैं और यहाँ पे इस तरह से ये, ठीक है। और यहाँ कटवर्क हो गया है, ये देखिए पूरे दुपट्टे पे जस्ट कटवर्क मैंने करवा दिया है। तो इस तरह से जी ये वाला ड्रेस कंप्लीट हो गया है सना सफीना का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन सना सफीना का है और बहुत खूबसूरत है जी, क्योंकि वाइट पे है ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी पूरी शर्ट पे। इसका भी सेंटर पीस और पैनल अलग-अलग से मिला है। अच्छा, सेंटर पीस एम्ब्रॉयडरी और साइड में जो पैनल हैं वो प्रिंटेड हैं, ठीक है। फिर दामन मिला है एम्ब्रॉयडरी के साथ हमें। तो ये मैं दिखाती हूँ, पहले तो ये देखेंगे हमारा सेंटर पीस था फुली एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, लाइट एंड डार्क ब्लू का कंट्रास्ट है वाइट पे और वाइट पे, इस तरह से ये मिला था। और जो साइड के है ना, ये प्रिंट है सारा ये, ठीक है, ये इसलिए इसको हटाते हैं, ये प्रिंट है। तो नेक लाइन पे हमने लगा दिए जी ये बटन इस तरह से, ये चार लग गए हैं बटन। इसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग कुछ ऐसी है कि बॉर्डर लगाने के बाद ये देखें बॉर्डर सारा एम्ब्रॉयडरी से यहाँ पे लगा है, अटैच हुआ है, ठीक है। लगाने के बाद लेस लगाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, ये देखें वाइट में थी ये, और मैंने फिर डाई करवा के लगा दी है जी दामन पे। और ये इसकी फिनिशिंग हो गई है, फ्रंट बैक दोनों पे लगी हुई है और बॉर्डर भी बैक पे भी है, ठीक है। अभी चेक करा देती हूँ बैक भी। तो ये हो गया। और स्लीव्स की अगर बात करें तो स्लीव्स जो है वो है कुछ ऐसे। अच्छा, इसका फैब्रिक भी चेक कर लें, इस तरह से फैब्रिक है इसका, यहाँ बॉर्डर है और फिर लेस। अच्छा, ये मैंने एक और बनाया है उसमें हैंगिंग लगाई है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसके ड्रेस बन रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी चीज़ें क्या हैं, तो ड्रेस मैं उसी तरह से डिज़ाइन करती हूँ। ये मैं एक और दिखाऊंगी आपको जिस पे हमने हैंगिंग की है, और यहाँ हैंगिंग नहीं है, यहाँ ओनली लेस है, ठीक है। तो जी ये हो गया। और अगर बैग की बात करें तो बैग यहाँ पर इस तरह से है ऐसे, कहाँ जा रही है भाई, अच्छा बॉर्डर और फिर लेस है, ठीक। अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र और दुपट्टे की तरफ। अच्छा जी, इसका दुपट्टा और ट्राउज़र है कुछ इस तरह से कि ये तो इसका ट्राउज़र है, ये देखिए यहाँ पे पिंटेक्स से हमने बनाया है जी कुछ चेक स्टाइल में, ये ऐसे, ठीक है। और फिर ऊपर लग गई है जी लेस। एंड इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, ये दुपट्टा जो है ना ऑर्गेन्जा के पल्लू हैं, लेकिन सेंटर से ये है कुछ इस तरह से। मैं दिखाती हूँ इसको ओपन करके, ये देखें, ये चेक कर लें इसका फैब्रिक, ये कॉटन नेट का, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये है, ये इसका दुपट्टा है। एक मिनट जी, हम इसको तो पहले साइड पे करें। अब देखें दुपट्टा, ये ठीक, ये इसका दुपट्टा। फिर जो मिले थे हमें बॉर्डर वो अटैच कराया, और अटैच करने हमने किया है लेस के साथ, ये देखें ऐसे ऐसे, ठीक है, अटैच लेस के साथ हो गया और उससे खूबसूरती भी आ गई है, ये देखें। वैसे आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत प्यारा लग रहा है अभी।
तो पल्लू इसके हैवी एम्ब्रॉयडरी थोड़े हो गए हैं और सेंटर में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। इस पर फिनिशिंग जो की है वो हमने इस तरह से की है, ब्लू फैब्रिक की डिटेलिंग जैसे कि शर्ट पे है। ठीक जी, तो ये भी सना सफीना का एक बहुत ही हिट कोट रहा है, न्यू अराइवल में भी और सेल में भी तकरीबन सबको चाहिए था ये भी। और ये है कुछ वाइट कलर है जिसपे सेल्फ प्रिंट है और फिर एम्ब्रॉयडरी भी है और पैनल इसके कुछ टाई एंड डाई टाइप के थे ऐसे। ठीक है, ओवरऑल चेक करें फिर मैं ज़रा डिटेलिंग की तरफ आती हूँ इस तरह से। और स्लीव्स जो हैं वो वाइट हैं जिसपे पर्पल सा प्रिंट है। ठीक है, तो जी नेकलाइन मिली पहले, वो हमने अटैच कर दी कुछ ऐसे। ये बड़ी सी नेकलाइन है ऐसे। ठीक है, इसके बाद पैनल लग गए। पैनल हमने अटैच, पैनल जो लगाए हैं ना वो लेस के साथ अटैच हुए हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी लेस लगी हुई है, वाइट ही रहने दिए हमने तो इसको। और ये दोनों साइड पे जी पैनल पे लग गई है जी लेस, और ये स्लीव्स पे भी लगी है फिनिशिंग के लिए। ये देखें कितनी प्यारी सी है। ठीक है, और उसके बाद जी आ जाएँ यहाँ पर दामन पर, फिर हमने लेस लगा दी है ऐसे, ये और ये इसकी फिनिशिंग। ठीक है, आप हेमिंग देखा करें कितनी खूबसूरती से होती है हमारी। तो जी ये है इस तरह से शर्ट, और बैक की अगर बात करें तो बैक इसकी ऐसे है, सेंटर से वाइट एंड फिर वो टाइन डाई वाले पैनल। ठीक है, तो ये हो गई जी ऐसे शर्ट रेडी हो गई। इसके बाद अगर दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा पे मैंने फिनिशिंग करवाई है लेस की, ये क्रिंकल शिफोन का दुपट्टा था जी इसके साथ प्रिंटेड, ये तो उस पर लेस लगा दी है इस तरह से। इसका प्रिंट है ये देखें जी, ये प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट है दुपट्टे का और फोर साइड पे है जी लेस। ठीक, अगर सील में से आप लोगों ने भी ये ड्रेस बाय की हैं तो जी आप बना सकते हैं उनको इस तरह से, और अगर आपने हैवी करना है तो आप वो कर सकते हैं, लाइट रखना है तो भी, जैसे आप चाहें। लेकिन ये है कि आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं कि किस तरह से हमने क्या चीज़ बनाई है। ये देखें, ठीक है, फोर साइड पे हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है इसका। क्रिंकल शिफॉन जो होता है ना सना सफीना का, वो ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे पर्सनली ज़्यादा सही लगता है बनिस्बत दूसरे शिफॉन दुपट्टे के इनके। तो ये हो गया, क्योंकि ये टिक जाता है सर पे और थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा जानदार सा होता है, हल्का फुल्का सा नहीं होता। अच्छा, ट्राउज़र का हमने यहाँ प्लेन रखा है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से सिंपल। तो ये हो गया जी ये वाला ड्रेस जी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस डिज़ाइन देखे। कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा, कैसे बने हैं ये ड्रेसेस फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको और देखने हैं फॉर्मल नहीं कैजुअल ड्रेस के डिज़ाइन, तो जी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं विंटर ड्रेसेस की। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि विंटर के होंगे, कैजुअल भी और फॉर्मल भी। तो वीडियो मिस नहीं करनी है, मेरे साथ रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।